तुम पुनः कहते जीव जो है पतंगों के समान अपने मृत्यु को प्राप्त काल में आपके मुख में घुसते जाते बड़े तेजी से हड़बड़ाते हुए परमाणा संत प्रविशंति स्मृत वेगा संत प्रविशंति ये सब शब्दों से कहा गया था। तो वो प्रवेश करते हुए उनको देख करके आप क्या करते हैं ये बताइए। जैसे आपके मुख में कोई मक्खी मच्छर घुसने लग जाए तो क्या करोगे आप? घुसने दोगे? नहीं घुसने देंगे आप। अबे सारे जीव आपके मुंह में घुस रहे हो तो कैसे आप घुसने देंगे? इसे अर्जुन पूछ रहा है, जैसे मेरा मुंह में कोई चीज घुसने लग जाए, जीव प्राणी ना है ना लोका, रोटी दाल से तो स्वयं डालते हैं, वो तो बात अलग है। फिर प्राणी कोई घुसने लग जाए चिंता, अब उसको तो हम घुसने नहीं देते। इसलिए मैं समझ रहा हूं कि आप भी घुसने नहीं देते होंगे, ये तो घुसना चाह रहे होंगे, घुसने प्रयास कर रहे हैं। जैसे पतंग प्रकाश की ओर दौड़ रहे हैं, प्रकाश पाने से पहले मर जाते हैं, तो आप भी इनके अंदर प्रवेश होने नहीं देते, बाहर से ठेल देते होंगे, फिर मर जाते होंगे वो। नहीं नहीं, मैं तो उसको बढ़िया चाहता हूं। भगवान कहते हैं आप क्या करते हो? पूछा तुम पुनः भगवान तो कर, हम तो बस बड़ा आनंद लेते हैं इसका। वो मैं देख रहा हूं आप कैसे आनंद ले रहे हैं। वो अर्जुन उस आनंद लेता होगा वर्णन कर रहा है, ले ले ही असे अग्र समान समंतात लोकान समग्रान वदन ज्वलत भी तेजो भीरा पूर्य जगत समग्रम भासस्तव ग्रह प्रतपंत विष्णु। हे विष्णु आप क्या कर रहे हैं? ले ली ही ऐसे आप आस्वादन कर रहे हैं, ले ली ऐसी यंगंद है, बारंबार खूब चाटते चाटते इधर उधर से, जैसे आप बढ़िया खीर माल पर कोई चीज हो आपकी होंठ में इधर लग जाए तो क्या करते हैं? अपनी जीवा से हम कर लेते हैं ना, ऊपर ऊपर लग जाए इधर उधर मूछ दाढ़ी में लग जाए तो भी इसको भी चाट डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आस्वादन लेते हैं। वाह बढ़िया माल आई है आज तो, खूब बढ़िया माल मिला है, वैसे ही आस्वादन करते जा रहे हैं बारंबार बारंबार अतिशयन वाह पौना पुण्य न वा, यंगंत का अर्थ होता है ना पौना पुण्य न ब्रजार अतिशयन वा, जय वो आस्वादे से घर समान अंत प्रवेशन अंत प्रवेश करता हुआ किनको? समंता चारों तरफ से लोकान समग्रान समस्तान समस्त लोगों को या वे जीवों को प्राणियों को जो चारों तरफ से प्रवेश कर रहे हैं, ग्रस्त हो रहे ग्रस्त आप अंत प्रवेश करते हुए उनको आप बड़ा आस्वादन करते रहते हैं। कैसे आस्वादन कर रहे हैं? वदनेर ज्वलत भी दीप्त मुख से, दीप्त वदनेर वक्त्रे ज्वलत भी दीप्य मारे दीप्त मुखों के द्वारा दांत और दाढ़ आदियों के द्वारा आप इनको बड़ा आस्वादन कर रहे हैं, चाट रहे हैं। करलेड़ीवत करलेड़ी होते हैं ना, कौन है करलेड़ी? करलेड़ी किसको कहते? आदमी जो है आचार के बर्तन से एक से दूसरे डाल रहा था, यूं निकाल निकाल के, अब वो रस थोड़ा इधर उधर आ गया नीचे हाथ से, अब वो करके चाटना, ऐसे चाटने वाले का नाम करलेड़ी। कर को मेरे हाथ को चाटने वाला, वैसे भगवान जो है चाट चाट के एकदम बड़ा मजे से खा रहे हैं लोगों को, ऐसा दृश्य मैं देख रहा हूं आप ऐसे कर रहे हैं। और तेज भी रापुरी इत्यादि समग्रान लोकान पर थोड़ा ध्यान देना है कि सभी को चवा डालते हैं, इसमें कठोर प्रसिद्धि प्रमाण है। यस्य ब्रह्मचक्षत्र उभे भवद ओदन मृत्युर्यस्य उपसेचनम कोई था वेद यत्र सह। कठोपनिषद 1:2:24 में कहा ब्राह्मण क्षत्रिय आगे सारे आगे ये सब ये सब जिसका भात है ओदन है, और मृत्यु जिसके लिए चटनी के बराबर है, सब्जी के बराबर दाल सब्जी के बराबर है समझो, यस्य उपसेचनम इत्यादि मंत्र प्रमाण सब को खाते हैं, सब उनके भात दाल सब्जी चावल चटनी बन जाता है। और तेज बिरापुर्य यहां बहुवचन प्रयोग करके विलक्षण बात कह रहे हैं कि यह स्वतेजसा युद्ध
पहले क्या कहा था, स्व तेजसा कहे थे, कौन से श्लोक में, 19वें श्लोक में, एक वचन था वहां स्व तेजसा, तेजो भी नहीं स्व तेजसा, और यहां तेजो भी, वहां एक वचन, यहां बहुवचन कर रहे हैं, क्यों, वहां तेजसा व्याप्ति है और तेजो भी व्याप्ति है, तो दोनों ही व्याप्ति की बात, अंतर अंतर क्या है, एक वचन जो वहां पर आया जो उक्त है और यहां पर बहुवचन कह रहे हैं, ये क्या ज्ञापन करता है, ज्ञापन कर रहा है न तेजसैव अपितु तेजसो विस्फुरणैरपि व्याप्नोषि, अपना तेज से ही नहीं बल्कि तेज के एक किरण से भी, तेज के एक विस्फुरण से भी हम पूरे जगत को व्याप्त कर ले रहे हैं, यह बात दिखाने यहां बहुवचन प्रयोग कर दिया, उस तेज का एक किरण काफी है पूरे जगत को व्याप्त करने के लिए, जगत समग्रम तेजवीर तवग्राह भास प्रतिबंध विष्णु कदे, विष्णु आपका जो है किंच इतना ही नहीं, आप समग्र जगत को अपने तेजों की तरह आपूर्य, तेज भी आपूर्य में व्याप्ति कर लेना, व्याप्ति करके आप अपनी भास मैंने दीप्तियों के द्वारा, कैसी दीप्तियां हैं, उग्रा भास उग्र दीप्तियों के द्वारा ये सारा संसार को जो है प्रतिपंथी, तब उग्रा भास प्रतिपंथी समग्रम जगत, इसे पीछे में रख दिया, जगत समग्रम तेज बिरा पूरी, हाँ तब उग्रा भास प्रतिपंथी भाष्या ले ली ऐसे आस्वादयसी ग्रसमानो अंत प्रवेशयन, आप आस्वादन करते हैं, किसका आस्वादन कर रहे हैं, जो अंदर प्रवेश करते हुए घुसते जा रहे हैं, कौन समन्तात समन्ततः चारों तरफ से, कौन घुस रहा है, लोकान समग्रान समस्तान समस्त लोग जो है, समस्त वर्णाश्रम वाले जो जहां से मर रहा है वो सब, उसे मृत्यु रूपी काल मुख काल रूप प्रकट हो गया है, पहले तो देव रूप था, सारी देवताओं को दिखाए, युद्धभूमि को दिखाया, सब मर रहे हैं, सब हो रहा है, अवान पे उग्र रूप दिखा लिया, ये सब मर मर के घुस रहे हैं उनका मुंह में, इसलिए कहते हैं कि ऐसा सब जैसा प्रवेश करते हुए लोगों को आप आस्वादन कर रहे हैं, वदनीर वक्त्री मुख से, उनको आपने मुख से आस्वादन कर रहे हैं, कैसा मुख है वो, ज्वलत भी दीप्य मारे ही दीप्त मुखों के द्वारा आस्वादन कर रहे हैं, और तेज बीरा पुर्य स्व्याप्य, अपने तेज के द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रहे हैं, जगत समग्रम सह अग्रेण इति सह समग्रम मने समस्तम इति, वो चोटी से एड़ी से चोटी तक कहते ना हिंदी में लोग, एड़ी से चोटी तक पूरे में व्याप्त, आप स्वयं कहां व्याप्त हैं, आप एड़ी से चोटी तक व्याप्त होकर रहते हैं, इसे कहीं भी छोटा सा देख एड़ी में पैर में भी की लग जाए, कांटा चुभ जाए, पत्थर कंकड़ भी चुभ जाए, झटपक को मालूम हो जाता है, और कोई पीछे से चोटी को हल्का हिलाएंगे तो भी आपको मालूम हो जाता, मैंने आप नीचे से ऊपर तक पूरा व्याप्त सजग चेतना का आपके अहंकार व्याप्त होकर प्रतिष्ठित होता है, यथा उसी प्रकार ब्रह्मांड का अग्र सहित नीचे से अग्र सहित समस्त को व्याप्त किए हुए हैं आप अपने तेजों में किरणों के द्वारा, किंच इतना ही भास मैंने दीप्त है तव उग्राह, आपके उग्र मैंने क्रूर जो दीप्तियां हैं ये क्या कर रही हैं, प्रतपंती प्रतापम कुर्वंती, प्रताप कर दे रहे हैं सबको, तपा रहे हैं, हे विष्णु, यहां विष्णु संबोधन के इसलिए अर्थ कर दिया व्यापनशील, जिसके बारे में उन्हें पहले ही वेद मंत्र वगैरह भी बता दिया था। अब अर्जुन कहता है यतएव उग्र स्वभाव, अतः जिसलिए आप मुझे इस समय एक उग्र स्वभाव वाले होकर दिख रहे हैं, इसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या बात है, इस उग्र स्वभाव का क्या नाम है, क्योंकि जो मानुष रूप है आपका उसको दर्शाते हुए आपका नाम होता है कृष्ण,
तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप मानुष रूप का नाम कृष्ण है, इस उग्र रूप का नाम क्या है बताओ? और उस मानुष रूप का कोई प्रयोजन है भूभार का अवतरण करने के लिए, है ना, भूभार को उतारने के लिए, और इस उग्र रूप का क्या प्रयोजन है, क्यों आवश्यक प्रवृत्त हो रहे हैं? इन दो प्रश्नों को लेकर अब अगला श्लोक बोल रहा है अर्जुन। आख्याहि मे को भवान उग्र रूप नमोस्तुते देव वर प्रसीद विज्ञातमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि मे भवान को उग्र रूप, भवान कहा, आप कौन हैं, मैंने आपको किस नाम से पुकारा जाता है जब आप ऐसे उग्र रूप वाले होते हैं? क्योंकि आपने मेरी विभूति पाद बताया ना, मैं अमुक नाम वाला हूं, अमुक नाम वाला हूं, उस चीज में पांडवा नाम धनंजय कह दिया है ना, अमुक मैं अमुक नाम वाला हूं विभूति में। अब इस उग्र रूप में आपके नाम क्या होगा, इस नाम इसका नाम बताओ। हे देववर प्रसीद ते नमोस्तु, आपके लिए मेरा नमस्कार होवे, आप प्रसन्न हो जाइए मेरे ऊपर, इस उग्र रूप को शांत कर जाइए। साथ साथ मैं जानना चाहता विज्ञातम इच्छामि भवंतम आद्यम रूपम, आपका जो आदि काल में जो हुआ था वह जो स्वरूप थी उसको मैं यह जानना चाहता हूं। ही यस्मात, इसलिए भी मैं जानना चाह रहा हूं कि न तो प्रवृत्ति प्रजानामी, मैं आपकी यह प्रवृत्ति को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा, इसलिए मैं जानना चाहता हूं आपका वह आद्य रूप कैसा विलक्षण है, विचित्र है। तब भगवान जवाब में कहेंगे, मैं तो काल रूप हूं, इसी का नाम काल महाकाल, प्रलय काल, प्रलय काल में जो काल रूप होता है, उग्र रूप होता है, वो मेरा रूप है, इस समय तुमको जो दिखाया है। और उसमें भी एक हिस्सा में है तुमको, एक सीरियल के एक एपिसोड होती ना कड़ी के समान, ये युद्ध का भी एक सीनरी तुमको दिखा दिया, सबका मरता हूं बस, एक छोटा सा सीनरी था। लेकिन ये जो मेरा उग्र रूप है वास्तव में प्रलय काल में सारा लोगों को मैं उपसंहार जब करता हूं, वो असल रूप मैंने तुमको दिखाया है। ये जवाब भगवान कहेंगे। आख्या ही कथय किं ज्योतिराख्या ही में, है ना, एक श्लोक के वेदांत में पंक्ति आता ही नहीं था, ये आख्या ही में शब्दावली प्रयोग किया वहां भाष्यकार ने, किं ज्योतिराख्या ही में प्रसिद प्रसादं गुरोहणे, हाँ कथया मे मह्यम, मेरे लिए आप कहिएगा को भवान एवं उग्र रूप अति क्रूर आकार, अत्यंत क्रूर आकार वाले जो आप हैं, आपका क्या नाम होगा, आप कौन है जो ऐसा हैं? जो भी हो, नाम जानू या ना जानू, इन्हें आपको देख के डर लग रहा है, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर देता हूं, शांत हो जाओ। जैसे कोई बदमाश आ जाए, बड़ा गुंडा टाइप का आदमी, देखने से डर लगे, आप क्या कहेंगे, आप कौन है, ऐसे बोलोगे नहीं, महाराज नमस्कार पहले बोलेंगे, ना नमस्कार भाई, कैसे साहब हैं आप, बहुत अच्छे हैं, आइए आइए बैठिए चाय पीजिए, प्रेम से बोलना पड़ता है, नहीं तो पटक देगा वो तुरंत। दुर्जनम प्रथम वंदे तदनंतरम सज्जनम कहा गया है, तो कहते हैं इसलिए आपको मेरा सबसे पहले उग्र रूप होने के नाते, दिव्या बदमाश नहीं है, है ना, आप उग्र रूप को देखते डर लग रहा है, इसे मैं आपको नमस्कार करता हूं। ते तुभ्यम नमोस्तु, हे देवरा, देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं में प्रधान, देवानाम प्रधान इत्यर्थ, प्रसिद्ध प्रसादं गुरु, आप प्रसन्न होइए। विज्ञातुम विशेषेण ज्ञातुम इच्छामि, विज्ञातुम कर रहे हैं, मैं विशेष रूपेण आपके बारे में जानना चाहूं, मेरे कौन से रूप के बारे में जानना चाह रहे हो? भवंतम आद्यम, मैंने आदो भवम इति, आपका जो वह आद्य स्वरूप है, सबसे प्रथम सृष्टि के आरंभ में जो हुआ था वह विशिष्ट स्वरूप, वह भी मैं जानना चाह रहा हूं। क्यों जानना चाहते हो? ही मैंने अस्मात् न प्रजानम, नहीं अस्मात् है ना, ही को पहले ले, ही मैंने अस्मात् जिसलिए न प्रजानामि तव त्वदीयां प्रवृत्तिं चेष्टां, ये आपके विचित्र जो उग्र कर्म रूपा जो चेष्टा है, इसकी आपकी प्रवृत्ति यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जान नहीं पा रहा हूं, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं?
आप ही सब बनाए हो, आप ही सबको खा जा रहे हैं। आपने कहा ये सारा जगत को मैंने ही पैदा किया हूं, इस जगत का मैं माता पिता दादा सब कुछ मैं ही हूं, इसके कार्य कारण आदि मध्य अंत मैं ही हूं, भूतों का भी सृष्टि का भी सबका। और ऐसे जब आप हैं, ऐसे दुनिया में हमने कभी नहीं देखा जो जिसको पैदा किया उसी को खा जाए, अपने बच्चों को खा जाए। ये तो सर्पिणी का अलावा और कोई करते नहीं। बिल्ली अपने बच्चों को नहीं खाती है, वो नर होगा तो, वो नर जो होते ना बिल्ला बिल्ला बिलाव उसको खा जाए, जान देखेगी ये बिलाव है तो खा जाए। बिल्ली है तो संभालेगी, तो सात जगह बदलेगी उसको, पालेगी प्रेम से। और सर्पिणी ऐसा नहीं कि नर हो जाए मादा हो सबको भोजन बना लेगी। अच्छा नहीं तो बैठना कहीं भी मुश्किल हो जाता आप लोगों को, इतनी साफ हो जाती दुनिया में। एक सर्पिणी एक बार कम से कम 20-25 अंडे दे देती है, और सारे अंडे साफ हो जाते तो क्या होता। अब उसमें से एक दो निकल जाते हैं, बाकी सबको खा जाते। जैसे एक अंडा फूटता है बच्चा निकलता है उसको खा जाए, और पेट भर जाता है उसको 18-20 खा के जब सो जाती है, उसके बाद में जो फूटेंगे 2-4 अंत में वो निकल जाते हैं, उसके चंगुल से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे हैं तो पुत्रादिनी पापे गाली देते हैं। औरत जब लड़ाई झगड़ा करती है ना, ऐसे छात्र सिद्धांत कौमुदी में पुत्रादिनी, एक ने कहा एक औरत ने दूसरे औरत को तुम पुत्र को खाने वाली हो, अगले का पुत्र पुत्रादिनी तुम पुत्र के भी पुत्र को खाने वाली हो, एक दूसरे को ऐसे डांट देते हैं। ऐसे संस्कृत में शब्द बना, पुत्र को खाने वाली तो सर्पिणी है नागिन है, मतलब नागिन है, ऐसे डांटते हैं ना औरतें आपस जब लड़ते हैं। नागिन का मतलब है बच्चों को खाने वाली, पैदा करेगी और मार के खा जाएगी, उसको नागिन कह देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आप ऐसे कैसे हो सकते हो, सारे संसार के माँ बाप सब कुछ आप ही हैं और आप अपने बच्चों को खा जाएंगे, ऐसे कैसे होगा। आपकी प्रवृत्ति मेरे को समझ में नहीं आ रही है, क्यों ऐसे आप कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं यह तो प्रलयकालीन दृश्य मैंने तुमको दिखा दिया। श्री भगवान वाच कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्तः हृदय पित्तान भविष्यन्ति सर्वे अवस्थितः प्रत्यनिकेश योद्धाः। कालोस्मी कह दिया, मेरा नाम काल है, ये जो उग्र रूप वाला मैं इस समय, मेरा ऐसा उग्र रूप वाला मेरे को लोग क्या नाम से पुकारते हैं, काल नाम से पुकारते हैं। लोक क्षयकृत लोकानां क्षय दे लोक क्षय तंग करोति यो असौ स लोक क्षयकृत, जैसे कर्मकृत होता ना यज्ञकृत कुंभकृत कुंभकार ऐसे ही बनाना है इसको। प्रत्येक कुंभकार अन्न हो गया क्विप करो तो कुंभकृत हो जाएगा, कुंभम करो दीदी कुंभकृत, क्विप प्रत्यय करेंगे तो कुंभम करो दीदी अन्न करोगे तो कुंभकार बनता है। वैसे लोकक्षय करो दीदी लोकक्षय कृत अथवा लोकक्षय कार, लोकों का क्षय का नाम लोकक्षय, उन लोकक्षय को करने वाला काल मैं हूं ऐसा समझो, इन लोगों का क्षय करने वाला हूं। प्रवृद्धो वृद्धिंगत वृद्धि को प्राप्त हो, यदि भी न कर्मणा वर्धते नोकनिया, न कर्म से बढ़ता है न घटता है वो, ऐसे उपदान में आया हुआ है मंत्र। लेकिन वो उपाधि को लेकर कह रहे हैं हम, ये प्रलय कालीन उपाधि को लेकर मैं प्रवृद्ध होता हूं, वृद्धि को प्राप्त हुआ हूं लोगों को क्षय करने का काम को लेकर के, तब मेरा नाम काल पड़ता है। जिसलिए प्रवृद्ध हो वो भी सुन लो, मैं क्यों प्रवृद्ध हुआ हूं वो भी सुन लेना। अरे लोकान संहार तुम यह प्रवृत्ता, लोगों को समाहरण करने के लिए ही इस काल रूप में मैं प्रवृत्त हुआ हूं। पूछा ना न प्रजान तो प्रवृत्ति, ये सुनो मैं जो प्रवृत्त हुआ हूं इन समस्त लोगों को समाहरण करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूं। अतएव इस समय इस युद्ध काल में रते पित्वा न भविष्यन्ति सर्वे, तुम लड़ो या न लड़ो, तुम लड़ो
या न भी लड़ो, तुम न भी रहोगे ना युद्ध भूमि में तो भी है, सब तो मरने ही वाले। तुम ये मत सोचो तुम चले जाओगे संन्यास में तो नहीं मरेंगे, बच जाएंगे, मैं नहीं मारूंगा तो सब जिंदे रह जाएंगे, ये तुम्हारा सोच गलत है। तुम इन्हें मारो ना मारो, इन्हें तो मरना है ही, पक्का है, निश्चय। डेट ऑफ बर्थ जैसा तय, इनका मृत्यु तारीख भी निश्चय हो चुका है। रतिपित्ता का दो अर्थ है यहां, कुछ कहते हैं तुमको छोड़ के, अर्थात तुम यह उपलक्षण है पंच पांडव और उनके खासन खास जो लोग हैं उनको छोड़कर बाकी सब, चाहे तुम्हारी सेना वाले हो चाहे शत्रु की सेना वाले हो, सब के सब मर जाने वाले, कोई नहीं बचेगा एक पक्ष। अथवा तुम लड़ो या ना लड़ो, तारते भी तुम नहीं रहोगे तो भी सर्वे ये वसिता प्रतिनिकेश योद्धा, ये सभी के सभी जो दोनों सेनाओं में विद्यमान है योद्धा लोग, उनमें से न भविष्यन्ति, एक भी भविष्य में जिंदा नहीं रहेगा। प्रवृद्ध इसके लिए बृहदारण्यक विषय प्रमाण बनता है, एतद् महद्भूतम् कहा बृहदारण्यक उपनिषद 2.4.12 में। और काल स्वरूप के बारे में तो भागवत ने भी दो बार मुख्य रूपेण आया है, 11वें स्कंद 15वां अध्याय 15वें श्लोक में और 10वें स्कंद प्रथम अध्याय 7वें श्लोक में। विष्णु चाधीश्वरे चित्तं धारयन् काल विग्रह, विष्णु चाधीश्वरे चित्तं धारयन् काल विग्रह, देखो काल विग्रहे विष्णु, काल रूपी विग्रह आकार को प्राप्त किया हुआ जो विष्णु सकल संसार के ईश्वर, उसमें चित्त को धारण करते हुए इत्यादि भागवत में विधान किया, धारणा की काल विग्रह में धारणा का विधि 11, 15 में, ऐसे अन्यत्र 10, 1, 7 में भी आया है। और महानारायण उपनिषद 10वें अध्याय 5वें मंत्र में आता है कालाय नमः, कल विकर्णाय नमः, रुद्र में भी आया, सब जगह आता है इस तरह से, काल रूप भगवान उग्र रूप उग्राय नमः, ऐसा मंत्र है। तो प्रवृत्ति रस्तो मास्तु वा रिते भी मने, रिते भी कह आप भी कह रहे हैं तो आ रिते में तुम्हें छोड़कर, अभी का तात्पर्य करो या ना करो फिर भी सर्वे न भविष्यन्ति, ये लोग कोई नहीं रहेंगे, मेरे महामृत्यु रूपा काल जो उपस्थित हो जाता है तो कोई बचने वाला नहीं है। संसार में कोई भी हो जिसके सामने महामृत्यु में काल आ जाए, वह समय आ गया, वह क्षण आ जाए, फिर आप लाख कोशिश कोई उसे बचा नहीं सकता है। अतएव तुम लड़ो चाहे न लड़ो, तुम कुछ भी करो ना करो तो ये तो सब जाने वाले हैं। इसलिए अगले श्लोक में कहेंगे मैं सबसे पहले मार चुका हूं इन सबको, मरे हुए मुर्दों को मारने में तुमको क्या परेशानी हो रही है, सब मरे हुए हैं पहले से ही, तुम्हें निमित्त मात्र बनना है, ये कहें। भाष्यम कालोस्मी स्पष्ट है इसलिए कुछ नहीं कह रहे। लोकक्षय कृत मैंने लोकानां क्षयम इति लोकक्षय, तम लोकक्षयम करोति इति लोकक्षय कृत, षष्ठी तरफ समास करा लेना, लोकानां क्षय इति लोकक्षय, उसका द्वितीय लोकक्षयम करोति इति लोकक्षय कृत, कुंभम करोति इति जैसे प्रवृद्धि मैंने वृद्धि कहता है, मैं वृद्धि को प्राप्त कर जाता है, काल रूप उग्र रूप को प्राप्त कर जाता हूं, यदर्थम प्रवृद्ध तत्ण, जिसलिए मैं यह वृद्धि को प्राप्त किया हूं उसको सुनो, वो प्रवृत्ति का प्रयोजन लोकान समार्थम संहर्तम यह अस्मिन काले प्रवृत्त, यह मैंने अस्मिन काले इस युद्ध काल में भी मैं यही काल रूप में प्रवृत्त हूं, ये मत सोचो मैं तुम्हारे सारथी में कृष्ण रूप में बैठा हूं, यहां तुम्हारे दृष्टि में मैं कृष्ण रूप में बैठा हूं, दुनिया के दृष्टि में मैं कृष्ण रूप में बैठा हूं, सारथी हूं तुम्हारे रथ का, लेकिन मैं वास्तव में यहां इस युद्ध भूमि में इस समय काल रूप में प्रवृत्त हो रहा हूं, सबको खाने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूं। इस कुरुक्षेत्र युद्ध में भले सौम्य रूप में मैं तुम लोगों को सबको दिखाई दूंगा, लेकिन अब मेरा असली रूप क्या रहेगी, सबको स्वाहा करने का, एक के बाद एक रसगुल्ला खाते जाने का है,
ऐसा रसगुल्लों के जैसे है मेरे लिए, वैसा आपको खाने के लिए प्रवृत्त होगा। सहर्तम यह अस्मिन काले, देखो बात इसलिए यह कार क्या है, अस्मिन काल इस युद्ध काल में भी जो मेरा प्रवृत्ति हुई है वो काल रूपण प्रवृत्त हो, उग्र रूपण प्रवृत्त हो, सबका संहार संहरण करने के लिए प्रवृत्त हो रखा। इसलिए बिना भी तत्म, ये तुम्हारे बिना भी, तुम्हारे बिना का मतलब क्या, तुम रहो ना रहो, तुम लड़ो ना लड़ो, तो भी न भविष्यन्ति, ये नहीं रहने वाले हैं, कौन कौन लोग नहीं रहने वाले हैं, भीष्म द्रोण कर्ण प्रहृदया, जिनसे तुम डर रहे हो, जिनसे मारने के लिए घबरा रहे हो और बहाना बना रहे, पूज्य हैं, बड़े हैं, ये है वो है, ये सब के सब सर्वे ये तब आशंका, जिनसे तुम्हारे अंदर आशंका भरी पड़ी है, ये पता नहीं ये मारेंगे कि हम मारेंगे क्या होएगा, जो यहां अवस्थित प्रत्यनिकेशु अनिकम अनिकम प्रतीति प्रत्यनिकेशु, अनिक अनिक के प्रतीति प्रत्यनिक, अनिक कहते हैं छोटी सी सेना, पत्ती सेना से लेकर अक्षौहिणी सेना तक सेनाओं का अलग अलग नाम होता है, अमरकोश में सबाया हुआ है सबसे छोटी सेना का नाम पत्ती सेना, जिसमें पैदल चलने वाले सैनिक चार एक घोड़े पर होता है, बस वहां हाथी नहीं अन्य चीजें नहीं, इसका नाम इसलिए पत्ती मैंने पैदल चलने वाले ज्यादा है, पत्ती न रथ है न हाथी है न घोड़ा कुछ नहीं रहता है वहां, और बाकी फिर बढ़ते जाएगा संख्या अलग अलग नाम नाम करते 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 अक्षौहिणी सेना सबसे बड़ी। प्रत्येक अनेक में जितने लोग खड़े हैं, ये मोर्चा बंदी में भी क्या होता है, गुट गुट बखड़ा करते हैं, इधर एक गुट इधर एक गुट, ऐसे अलग अलग आकार में, न कमल भी हो चक्र भी हो अनेक भी हो, उनसे नाम से महाभारत में प्रसिद्ध है, आजकल भी युद्ध भूमि में यही शिक्षा दी जाती मिलिट्री में, इसका मोर्चा बंदी कहते हैं, वो अलग अलग आवाज देंगे अलग अलग शब्द प्रयोग करेंगे, उससे समझ लेंगे सैनिक हम लोग को किस कितने को आगे बढ़ना है कितने पीछे हटना है किस आकार में खड़े होना है, अगला जो शत्रु को मारने के लिए किस तरह से हमें घेरना है अगले को, उसे अनेक प्रकार के व्यूह जिसको मोर्चाबंदी कहते वो व्यूह कहा जाता है, उन अनेक प्रकार व्यूहों को अपनाते हैं वो अनेकेशु, जितने भी हैं उन सभी में विद्यमान सभी के प्रतिपक्ष भूतेषु अनेकेशु योधा एव योद्धार, योद्धा का दिया योद्धार, क्योंकि श्लोक की अक्षरों की संख्या न बिगड़े इसे योद्धा सीधा प्रयोग कर दिया है, होना चाहिए था योद्धार, वो सब के सब कोई भी न भविष्यन्ति नहीं रहेंगे, यस्मादेवं जिसलिए ऐसा है इसलिए सुनो, तस्मात् तमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्ता शत्रु भुंश राज्यं समृद्धं मयैवैते निहतः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भवसव्यसाचिन्। तस्मात् तुम उत्तिष्ठा इसलिए तुम उठो, यह कार्पण्य दोष से हत स्वभाव वाले होकर तुम जब पड़े हो इससे निकलो बाहर और अपने पूर्ण क्षत्रियत्व में आ जाओ, यश का लाभ करो। लोग कहेंगे ऐसे बड़े बड़े जिनको देवता लोग नहीं जीत सके, भगवान के अवतार था परशुराम अवतार, वो भीष्म को जीत नहीं सके, बराबर का टक्कर रह गया, ऐसे को तुमने मारा है, लोग प्रचार करेंगे तुम्हारी यश भी होगा, यशो लभस्व जित्ता शत्रुन, इन शत्रुओं को जीत करके यश को प्राप्त करो और भुंश्व राज्यं समृद्धम सकल प्रकार की समृद्धियों से युक्त इस महान राज्य का भोग करो, क्योंकि मयैव एते निहता पूर्वमेव, मेरे द्वारा इन लोगों को पहले से मार दिया गया है, इनको मैंने पहले से मार डाला, इनमें से एक भी नहीं है वास्तव में, साहब का मृत्यु पहले से निश्चित है ना, ये पहले सब मरे हुए हैं, तुमको निमित्त बना रहा हूं, तो निमित्त बनाने की क्या जरूरत है, विचार करेंगे, राज्यम समृद्धम निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, हे सव्य साचिन, बहुत ही गजब का संबोधन यह भगवान ने प्रयोग कर दिया है, बिल्कुल सटीक है यहां पे,
निमित्त मात्रम भव, तुमको निमित्त मात्र बनना है, तुमको कर्तृत्व को अपनाना नहीं है। यहां कर्तृत्व नहीं है कि कर्तृत्व मुझे में, मैंने मार डाला, मैं बोल रहा हूं ना, लोकक्षय कृत हूं मैं, काल रूप हूं मैं, ये मेरे अंदर कर्तृत्व है इस समय, और तुम केवल इसलिए कर्तृत्व रहित होकर निमित्त मात्र बनना है। सवे साचिन, सवे शब्द का अर्थ होता है बाया, इन अनेक कोशकार वगैरह कहते हैं बाया अध्याय, दोनों को मिला के सभी ही शब्द से कह सकते हैं या केवल दक्षिण शब्द से भी कह सकते, एक से समास। ये माता च पिता चेति पितरो शब्द एक शब्द है, इन दोनों का द्योतक है। इस अंग्रेजी पेरेंट्स का मतलब क्या हो रहा है, माँ और बाप दोनों, तो शब्द एक लेकिन दोनों का द्योतक है, एक शेष समास में ऐसा हो जाता है। लिखा है विरोधार्थ भंजनी नाम के पुस्तक है, विरोधार्थ भंजनी, विरोधार्थ तो लोग कहते हैं उसका भंजन करने वाला पुस्तक, उसमें लिखा है सव्यौ सव्याभौ पानी सचते संवैत्यर्थात ज्याकर्षणे अथ सव्य साची। दोनों हाथ, सव्यौ का मतलब क्या अर्थ किया उन्होंने, उभौ पानी, सव्यौ मैंने उभौ पानी, दोनों हाथ सचते संवैति दोनों ही प्रवृत्त हो रहे किस काम में, ज्या आकर्षण, ज्या मैंने धनुष का जो प्रत्यंचा होता है सूत उसको खींचने में, इसीलिए उसका नाम सव्यसाची है। कभी दाएं हाथ से खींच के जब बाण को छोड़ता है, कभी बाएं हाथ से भी छोड़ता है, दोनों में समान वेग, ये विलक्षण आपको दुनिया में ऐसे नहीं मिलेंगे। जैसे क्रिकेट वगैरह में आप देखे ना, जब राइट हैंड खेल रहा उसको बाएं से खेलना पड़े तो ताकत ही नहीं होता, चलता ही, किसी के बाएं हाथ तेज चलता, किसी के दाएं हाथ चलता है, यही होता है हर आदमी के अंदर, ज्यादातर दाएं वाले होते हैं कम बाएं वाले हैं, लेकिन जिसकी जो चलती है उसी बाएं में, दाहिने में जितनी ताकत होती है बाएं में नहीं होता किसी की, अरे बाएं में है तो दाहिने में नहीं है, लेकिन दोनों में बराबर हो और दोनों में बराबर कार्य करने की सक्षमता क्षमता भी हो, एकमात्र अर्जुन था। क्या मनुष्य में ही, देवों में भी, महाभारत में लिखा है देव और मनुष्य सभियों में एकमात्र अर्जुन तो सव्यसाची, इसलिए भगवान उसी को निमित्त बना रहे, दूसरे को नहीं। अर्जुन कह सकता है ना, मेरे को काहे को पकड़ रहे हो, मैं सन्यासी होना चाह रहा हूं, मुझे जाने दो, बहुत सारे होते हैं, किसी को निमित्त बना लो आप, तो कहते नहीं तुम सव्यसाची हो ना, तेरी से कहा निमित्त मिलेगा मेरे को, देवताओं में भी तेरा जैसा निमित्त ढूंढू तो नहीं मिलेगा। महाभारत में लिखा श्लोक है 4:44-19 श्लोक में क्या करें, उभौ मे दक्षिण पाणी गांडीवस्य विकर्षणे तेन देव मनुष्येषु सर्वसाचित्य माम विदुहु। मे दक्षिण पाणी, देखो यहां पर दक्षिण शब्द प्रयोग कर दिया, सव्यो बोलो दक्षिण बोलो, बात है कि दाया बाया दोनों को लेना है एक शेष में, मेरे दोनों हाथ से मैं गांडीव की प्रत्यंचा खींच करके बाण चोड़ में सक्षम समान क्षमता वाला हूं, सक्षम ही नहीं समान क्षमता वाला, यदि दाएं हाथ से बाण छोड़ूं और 600 पेड़ को काट सकता हूं तो बाएं हाथ से भी छोड़ता हूं तो 600 पेड़ ही कटेंगे, बराबर क्षमता। इसलिए देव मनुष्येषु देवताओं में मनुष्यों में सब में मेरे को क्या लोग कहते हैं, एकमात्र सव्यसाची यही है। इसीलिए भगवान ने सव्यसाचन देकर कह रहा है मैं तुमको निमित्त बनाया है, ज्ञान देने के लिए मैं किसको निमित्त बना सकता था, या तुम्हारा अंतगण शुद्ध होने के लिए तुमको ज्ञान के निमित्त बना भी लूं मैं, युद्ध के लिए किसी और को निमित्त बना सकता था तुमको ज्ञान के निमित्त बना करके, लेकिन दोनों के निमित्त में तुमको ही बना रहा हूं, कारण क्या है, तुम अर्जुन हो शुद्ध अंतकरण वाले हो इसे तुम ज्ञान के लिए निमित्त बन रहे हो, और युद्ध के लिए निमित्त किसलिए बन रहे हो, क्योंकि तुम सव्यसाची, आते हुए मैं तुमको निमित्त बना रहा हूं और तुमको कह रहा हूं तुम निमित्त मात्र बनो, इस युद्ध में करना धरना सब कुछ मेरा काम है, करना तो मैंने, तुम्हें कुछ नहीं करना है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है
मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसलिए तुम्हारे से सभी चार्ज के अलावा मेरे को दूसरा कोई सभी साक्षी नहीं दिख रहा है, इसे मैं तुमको इस्तेमाल कर रहा हूं निमित्त मात्र बना ले रहा। और एक दूसरा है तो कहने का तात्पर्य क्या है यहां भगवान का निमित्त मात्रम से, जिस प्रकार से वायु है फाल्गुन मास में देखो हल्की सी हल्की हवा भी चले तो सारे पत्ते सूखे हुए होते हैं, खटखटखट गिरते रहते हैं। क्या हवा को कोई ताकत लगाना पड़ता है, जोर आंधी चलानी पड़ती है पत्तों गिराने? कुछ नहीं, बिना आयास का जिस प्रकार से वायु सूखे पत्तों को गिरा देता है, वैसे तुम भी वास्तव बिना आयास का ये सारी सेना को मार सकते हो। ये ज्ञापन कर रहा है निमित्त मात्र, क्योंकि मैं पहले से मार चुका हूं ना। जैसे पत्ते पहले से सूखे हुए हैं उसको गिराने में कोई प्रयास होता है क्या? नहीं। उसी और जो पहले से मरे हुए उनको मारने में क्या प्रयास करना है तुमको? कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। मुर्दे पर चार जूता मारने के लिए कौन डरे हैं? गुंडा का भी खौफ जो मुर्दा क्यों ना हो, उसे आप भले जिंदा रहते तब डर रहे थे, अब चार जूते मारने में कौन सी भयभीत होना है मुर्दे पे? अनायास ही मार सकते हो, दो थप्पड़ लगा दो अपने सारे बदला उतार लो। तो वैसे ही सब मरे हुए हैं, इनको मारने में तुमको कोई आयास ही करने की जरूरत नहीं। इस बात को ज्ञापन कर रहा है निमित्त मात्रम शब्द, यस्माद एवं इत्यादि भाष्य। तस्मा, जिसलिए ऐसा है इसलिए, तस्मा तुम उत्तिष्ठा, तुम खड़े हो जाओ, ये आलस छोड़ो, ये विषाद को त्याग दो। अर्जुन ने विषाद प्रकट किया था, अर्जुन विषाद योग होना प्रथम अध्याय में जो तुम अपने विषाद का प्रकट किया था, उस विषाद को त्याग करके खड़े हो जाओ। उत्तिष्ट जा, उत्तिष्टता जागृत प्राप्य वरान निबोधत, खड़े हो तो हो जाओ पहले तुम, फिर जोश भरिया भर दिया जाएगा उसमें। अब जोश भर देंगे फिर क्या कहना? ये तो जामवंत ने हनुमान जी को किनारे बैठे थे चुपचाप, और सब बोल रहे मैं इतना लांग जाऊंगा, इतना कूद जाऊंगा समुद्र को, मैं पार तो नहीं कर पाऊंगा, सब अपनी अपनी लंबाई किनारे इतनी छलांग में मार सकता हूँ। हनुमान जी चुपचाप किनारे बैठे सुन रहे हैं, सबकी अपनी अपनी ढपोल क्या क्या अपना अपना अहंकार बोल रहा है। तब जामवंत कहते हैं, क्यों महाराज चुप बैठे हो, खड़े हो जाओ, आपकी सामर्थ्य वो है जो तीनों लोग को पार कर सकते हो, तो समुद्र क्या तुम्हारे लिए? खूब बूस्टिंग करते हैं खड़ा होने की बात। अब वो जय श्री राम करके फट काम चालू हो गया ना। ऐसे आदमी को बूस्टिंग करना पड़ता है, नहीं तो आदमी से पहले भगवान से खड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे अंदर पंप भरूंगा अच्छी तरह से। अब रोते बैठा था ना किनारे में, पीछे जाकर के रथ का पीछे में चला गया, रथोपस्थम है ना, रथ का उपस्थ भाग में जाके बैठा हुआ था, इसलिए उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। भीष्म द्रोण प्रभृतयो अतिरथा अजेय देवैरपि अर्जुनिन जिता यशो लभस्व, आगे ना भीष्म द्रोण आदि ऐसे अतिरथी लोग हैं जो कि देवताओं की तरह अजेय रहे हैं, ऐसों को भी अर्जुन के जीत लिया गया है, इस तरह से दुनिया में तुम्हारी प्रशंसा होगी, उस यश को तुम प्राप्त करो। केवलम पुण्य ही तत्प्राप्य दे, केवल पुण्यपान पुरुषों के द्वारा ही ऐसा यश की प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तुम्हारा महान पुण्य कर्म करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर को छोड़ोगे आप यश प्राप्त होगा, और इस वर्ष अवसर को उपयोग करता हुआ इस महान पुण्य कर्म करोगे तो यश प्राप्त होगा। केवल यश ही प्राप्त होगे, इतना ही नहीं, जित्वा शत्रुन दुर्योधन प्रवृति, दुर्योधन आदियों को जीत करके भूंश्वा राज्यम समृद्धम असपत्नम अकंटकम, शत्रु रहित किसी प्रकार विघ्न बाधा से रहित सकल ऐश्वर्य से समृद्ध इस राज्य का तुम उपभोग क्यों करो? दृष्ट फल भी है, अदृष्ट फल भी है, अपूर्व फल भी है, सब प्रकार का फल तुमको मिल रहा है, ये कैसा हो सकता है? तब कहते मयैव एते निहता निश्चयेन हताः,
क्योंकि मेरे द्वारा इन सब को पहले से निश्चय पूर्वक मैं बता रहा हूं तेरे को मार दिए गए हैं, पहले से ही मरे हुए हैं सब। प्राणैर्वियोजिता पूर्वमेव, प्राणों से इनकी उपाधियां पहले से ही निकल, उपाधियों से जो है ना वियोजिता, प्राणों को अलग कर दिया गया है। प्राणों से इन शरीरों को हमने पहले से ही अलग कर दिया है, लेकिन तुमको जिंदा जैसे लग रहे हैं, जैसे दुनिया मूर्खता पूर्वक देखकर खेल हो रहा है। यद्यपि विजय पहले तय हो गया, कौन जीतेगा कब पहले से निश्चय, लेकिन वह निश्चय होने घोषणा तो नहीं हो सकती ना। लेकिन अमुक जीत गया कर कैसे, खेल तो होना ही पड़ेगा वहां। अब ये पता है लेकिन कौन किसको लात मारना कितनी बार फुटबॉल में, और क्रिकेट में पता है किसके सामने कैसे बॉल फेंकना है ताकि वो छक्का मार दे, और किसके सामने ऐसे बॉल तो जीरो पे आउट हो जाए, वो सब पहले से तय है। और जान के बोल रहे सब बॉल डालेंगे, तू छक्का मार भाई तेरे को रिकॉर्ड बनाना है ये सारा, लेकिन फिर भी बॉल तो फेंकना ही पड़ेगा, लात तो मारनी ही पड़ेगी, सब तो करना ही पड़ेगा नाटक, और नाटक के बिना विजय घोषणा नहीं हो सकता। भले पहले से तय हो, फिर भी जैसे आज के जमाने में देखते हो यह अनादिकालीन परंपरा है, वहां भी विजय तय है पांडवों का, और दुर्योधन की मृत्यु भी निश्चय हो चुका है, मर चुके हैं वो। लेकिन फिर तुम्हारा विजय तब घोषित होगी जब तुम निमित्त मात्र को एक खेल खेलोगे और मार डालोगे। स्थूल दृष्टिया तुम्हें मारना पड़ेगा, सूक्ष्म दृष्टिया ये मर चुके हैं, जैसे हम लोग ये सब क्या है देखने में जिंदे हैं, सब मर चुके हैं। इसीलिए कोई तो हमारी इतनी आयु बढ़ी नहीं घटी है, बढ़ी कहां है और कितना बाक्य पता नहीं, इतना अंतर है। लोग समझ रहे हैं बढ़ रहे हैं, हमारी आयु बढ़ती जा रही है, कहां बढ़ती जा रही, तुम मौत की ओर जा रहे हो, इतनी आयु बीत गई तुम्हारी खत्म हो गई है, और बैलेंस कितना तुमको मालूम नहीं, इतना ही फर्क है। लेकिन वास्तव में आपकी आयु क्या है, जो बचा है वही आपका असली बाकी है, बाकी पहले का गिनने से क्या है? वो तो मूर्ख लोग हैं, संसार व्यवहार में से चल गया, हमारा इतना उम्र, हमारा उतना उम्र, हमारा उतना उम्र, लोग व्यवहार करने लग गए हैं, जो बीत गया है वो खत्म हो चुका है। जो आगे का अनिश्चय में साहब बोल नहीं पा रहे मेरी इतनी आयु बाकी है, और जिसने भी आजकल कलयुग में कहा वो सब फेल हो गए, बड़े बड़े फेल हो गए, और कुछ कहानी झूठी मनानी पड़ जाती है, कई होंगे मामले में देखा। एक ने तो बड़ा नाटक किया मध्य प्रदेश में, और बैठ गया दुनिया के हम इतना बजे मरने जा रहे, ऐसे सारे टीवी सारे विश्व भर के लोग लग गए, चारों तरफ टीवी लगा लो, कैमरा लगाए हुए लगे हैं भाई, खींचा जाए कब मर रहा है। वो दिन भी गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, सब लोगों ने गालियां देके चले गए, मरा ही नहीं वो झूठे। लेकिन प्रचार तो उसकी हो गई, नाम दुनिया में गवा लिया, सारी दुनिया उसको दिखा रही थी, सब पूरी दुनिया में देख रहे थे लोग। उस दिन टीवी के सामने बैठे हैं, आज 4 बजे मरेगा, अब मरेगा, अब मरेगा, अब मरेगा, बीत गया टाइम कहाँ। तो इसीलिए ये आपको पता ही नहीं है कब मरने वाले, लेकिन निश्चय तो हो चुका है वास्तव में सब। इसे क्या कहते हैं, जिंदा मुर्दा है ये सब। स्थूल दृष्टिया जिंदा है, हर वास्तविक दृष्टिकोण से मुर्दा है। इसलिए कहते हैं कि पूर्वमेव प्राणैर्वियोजिता, ये सारे शरीर जो है उपाधियां प्राणों से वियुक्त कर दिया गया है मेरे द्वारा पहले से निश्चय पूर्वक। इसे तुमको क्या करना है, निमित्त मात्रम भवत्वम हे सविसाचिन, इसे तुमको निमित्त मात्र बनना है। सवेन वामेना भी हस्तेन शरणांक्षेपात सविसाचित उच्यते अर्जुन। अर्जुन को लोग सविसाची शब्द से कहते हैं क्योंकि जो है बाएं हाथ के द्वारा भी बाणों को फेंकने का समान सामर्थ्य वाला होने के कारण। अब कहते हैं कि भाई विशेष रूप तुमको बताता हूं, तुम्हारे मन की आशंकाओं को भ्रांति नहीं है इसे दिखाना चाहता हूं। जो तुमने देखा था भीष्मादि दांतों के पीछे फंस रहे हैं, सब मारे जा रहे हैं, ये मत सोचो तुम्हारी भ्रांति है,
हो सकता है अर्जुन ने सब मैं हो सकता कल्पना कर रहा हूँ, जिनसे मेरा भय था वो सब मरता हूँ, मैं देख रहा हूँ तो मेरे मन में प्रसन्नता होगी, मैं अपनी कपोल कल्पना की होगी, अपने एक स्वप्न जैसा होगा ये, मेरी अपनी जो दृश्य जो मैंने देखा भीष्म आदि का मृत्यु वो झूठा होगा, वह भ्रांति होगी। ऐसे तुम सोचते हो तो भगवान कहते नहीं नहीं भ्रांति नहीं है। सुनो, द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथा अन्यान अपि योद्धवीरान् मया हतांस्तं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। वहां कहते उत्तिष्ठ पराग करें युद्धस्व, अगर नहीं के बदे उठो अब लड़ो। कहते सबसे पहले द्रोण तुम गुरु नहत्वा ही महान भावान, तुमने कहा था वो मर चुके भाई, तुम कहा हत्या कर रहे हो उनका, वो हमने उनको पहले से मार दिया है। और भीष्म पूजार रहो तुमने कहा वो भी गए, उनको भी मार चुका हूं मैं। कि विराट दर्शन के अनंतर ये भी एक कारण यहां पर बताना चाह रहा है कि व्यक्ति किं कर्त विमूढ़ ना हो जाए। कि विराट दर्शन जब कर लिया उसने ये देखा ना ये सब भगवान के अवयव है और भगवान ने सब निपटा दिया खेल को, नाटक खत्म हो चुका है खेल, मुझे क्या करना है, चुप बैठ जाएगा हाथ जोड़ कर। अब सब भगवान के रूप है, भगवान ने सब नाटक खत्म ही कर दिया है, खेल 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 दिया उसने जो करना था और आगे जो करना है वही वो करेगा, फिर मेरे को क्या करना है, फिर मेरा यहाँ कुछ भी कर्तव्य ही नहीं संसार में। ऐसे सोच उल्टा और महातमोगुणी ना हो जाए। एक तमोगुण तो छाया हुआ है, मोह तो छा गया है, विषादग्रस्त है ही वो, और विराट रूप देखने के बाद में और भी उदासीनता ना आ जाए। दो कारण, दो ही तरह हो सकती है, या तो महात्मा हो जाएगा वो, मुझे क्या करना है, भगवान तो कर ही रहे हैं मुझे क्या करना है, बैठ जाएगा चुपचाप, ये महात्मा भी हो जाएगा, या उदासीन उदासीन कल फिर जब भगवान का आनंद रूप है, भगवान जो लीला कर रहे हैं सो कर रहे, जो हो रहा है सो ठीक है, सब अच्छा है बहुत बढ़िया है, मुझे कुछ करना धरना है नहीं, ऐसे सोच करके उदासीन भाव में हो करके किं कर्तव्य मूढ़ हो जाएगा या कर्तव्य त्याग कर सकता है, यह सब विचार करके भगवान ने जान करके कह रहे हैं कि भाई ये मत सोचो कि हमने मार चुका हूं फिर भी तुम्हें मारना ही होगा। आयु दृष्टिया ये मर चुके मैं कह रहा हूं, स्थूल दृष्टिया तेरे बाणों से इनको गिरना है इस रणभूमि में, तुम्हारे बाणों से इनको जाना है इस संसार से। स्थूल शरीर का, स्थूल शरीरों के प्राण वियोग जो है उसका निमित्त तुम्हें बनना है। इसे कहते हैं द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच। कथम भीष्म महम संख्ये, कहा था उसने इसे उसका भी नाम ले लिया भीष्मंच और जयद्रथ। इसे मैं वहां उस असौ से एक पक्ष कहा था, जयद्रथ को ले रहे थे ना सुत पुत्र तथा असौ से, कि आगे भगवान जयद्रथ का नाम ले रहे हैं, कर्णम आगे बोल रहे हैं। इस क्रम में भी विलक्षणता है, पहला द्रोण गुरुत्वात्, दूसरा भीष्म इच्छा मृत्यु, तीसरा जयद्रथ उसके मृत्यु से स्वयं का मृत्यु, उसके मृत्यु से स्वयं का मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि गुरु को मार नहीं सकते, गुरु के सामने हुंकार करके बोलना भी निषेध किया है, उच्च स्वर से बोल भी नहीं सकते, यही मौत है उस व्यक्ति का। गुरु के सामने उच्च स्वर से बोला तो उसकी मौत हो गई, समझो आध्यात्मिक मौत उसकी हो गई, स्पिरिचुअल डेथ। तो मारूंगा कैसे जिसके सामने मैं उच्च स्वर से बोल भी नहीं सकता, बोलने पर मेरी मृत्यु मानी गई है, ऐसे को मारूंगा तो मेरा तो महामृत्यु हो जाएगा, है कि नहीं, मृत्यु अति मृत्यु प्रविशंति है ना उपनिषद मंत्रों। और भीष्म इच्छा मृत्यु वाले हैं, उनको मैं कैसे मार के मृत्यु कर दे सकता हूं, तो अपनी मर्जी से मृत्यु लेंगे, हमारे बाणों से थोड़ा उनको मृत्यु होने वाला है, वो तो हो ही नहीं सकता। और जयद्रथ वो है जिसकी मृत्यु में मेरे से हो जाए फिर मेरी भी मृत्यु पक्की है साथ साथ, युद्ध भूमि है,
मैं मारूंगा, गर्दन कटेगी, गर्दन जमीन पे गिरेगा, तो मेरा भी गर्दन कट उसी समय खड़ा से गिर जाएगा। स्वमृत्यु का आह्वान कौन करेगा? मैं अपने मृत्यु का आह्वान कर लूंगा उसको मार के। से पहला गुरु है जिसके सामने कुछ बोलना भी तेजी से वह स्वमृत्यु तुल्य है। दूसरा भीष्म है, इच्छा मृत्यु वाला, उसे मारने कोई नहीं मार सकता संसार में। तीसरा जिसकी मृत्यु होने, स्वयं की मृत्यु होने वाली है, उसको भी मैं मार नहीं सकता। और कर्णम, ये भी अजय है। कर्ण को किसी ने जीता ही नहीं कभी भी, बल्कि हमेशा जब कर्ण का साथ अर्जुन का मुकाबला होना है, कोई ना कोई बहाना बना करके भीष्म द्रोण वगैरह कर्ण को किकआउट करते बाहर। जैसे प्रतियोगिता में थी, वहां क्या हुआ, कह के भाई ये सूत पुत्र है, इसको अधिकार नहीं, निकालो बाहर, बोल दिया। ये प्रतियोगिता भाग नहीं ले सकता, जानते हैं कि प्रतियोगिता में इससे भी एक मार्क्स उसको ज्यादा मिल जाएगा निश्चित रूप। अर्जुन को मिलेगी 98 तो उसको 99 मिलेगा, इसको 99 तो 100 मिलेगा उसको, एक हाथ आगे। क्योंकि कर्ण को जो मिली है वो केवल गुरुओं से नहीं मिला है, साक्षात सूर्य पुत्र है, इंद्र से कवच मिला, एक से एक महान चीज उसके पास है, उसके समान कोई है ही नहीं वहां योद्धा। इसे अर्जुन को पता है मैं इसे मार ही नहीं सकता, और हमेशा ही उसको अलग रखा गया है अनेक प्रकरणों में, और अंत में मारा कैसे उसने, जब निहत्ता था, कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं था, जमीन पे खड़ा था, रथ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब उसको मार दिया गया। और उससे पहले कर्ण तो अर्जुन को मार डाला था, यदि भगवान ने अर्जुन के रथ को 6 अंगुल दबाए नहीं होते, अर्जुन गया था, केवल अर्जुन का किरीट गिर गया। वो जो नागलोक में जब अर्जुन उरुपी के साथ, नागिन के साथ विवाह करके अपना हनीमून मना रहा था एक दर से रथ पे, तब एक सर्पिणी मर गई थी उसके रथ के चक्के से, वह सर्पिणी बाण का रूप धारण करके कर्ण के पास बैठी हुई, और कर्ण से के भाने वो अर्जुन को मारने की, मारकर बदला लेना चाहती, उसके पति के मृत्यु की बदला लेने के लिए आई हुई थी। ये सब जानते थे कृष्ण भगवान, सारी लीलाधारी जानते, तीसरे भगवान पहले से क्या कुंती से कहा कर्ण से वर लेने के लिए, सारी कहानी बता करके कर्ण से वरदान ले लिया, वचन ले लिया था एक तरह से कुंती ने, एक बार छोड़ो बाण को मैं दोबारा नहीं छोड़ूंगा। क्यों सर्पिणी वापस आई, तब कर्ण ने कहा कि नहीं मैं दोबारा छोड़ूंगा नहीं, कि मैंने वचन दिए हैं मां को, और दूसरा वचन लिया 5 संख्या घटनी नहीं चाहिए, मेरे 6 बच्चे हैं तुम्हारे सहित, इन 5 संख्या घटनी नहीं चाहिए, एक मरे कोई दिक्कत नहीं मुझे, अर्थात तुम दोनों में से अर्जुन और कर्ण में से कोई एक मरे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। और जो विश्वास है कि कृष्ण के पक्ष में अर्जुन और से अर्जुन ही जिंदा रह भी जाएगा। इसे युद्ध भूमि में ऐसे प्रसंग आता है, युधिष्ठिर से, भीम से, नकुल से, सहदेव से आमना सामना हुआ, तुरंत उसको वचन याद आता था और मारते मारते उसको छोड़ देता था, नहीं मैंने वचन दिया है माँ को 5 होना है, और मुझे मारना है तो अर्जुन को ही मारना होगा, दूसरे को नहीं। इसे 4ों को माफ कर दिया उसने, दोनों ने सबको खत्म कर दिया था, इतना कर्ण में सांवत साहब को खत्म कर देता हूं। भगवान ने पहले सारा सही ढंग से जो है सीरियल तैयार कर रखा है, क्या होना है कैसे होना है, इससे उसे वचन ले लिया, उसे वो करा दिया, उसे वो करा दिया, सारा चाल चला, तब जाके वो कर्ण मारा गया, नहीं तो नहीं। इसलिए कर्ण का नाम ये 4थे में लिया गया है, वो कर्ण है जिसको मारना लगभग असंभव है, अजय है अर्जुन के द्वारा भी, तथा अन्यान भी योद्ध वीरान, इसे अन्य भी जितने योद्ध वीरा उन सबको, मया हतान मेरे द्वारा मार देंगे, तुम जही उनको तुम के निमित्त मात्र में स्थूल दृष्टिया तुम मार डालो, और सूक्ष्म दृष्टिया मैं मार चुका हूं, काल रूप बन करके काल रूप दृष्टिया उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तुम्हें केवल निमित्त मात्र बन के मारना है। मा व्यतिष्ठा, इसे व्यथा को त्यागो, खड़ा तो हो गया, जैसे आदमी सो के खड़ा होता है लेकिन आलस्य रहता है नहीं, तो आलस्य को दूर करने लगा रहे, तो खड़े तो हो गए, और व्यथा को भी त्याग दो, और तीसरे नंबर में लड़ो युद्ध।
जेता से रणे सपत्ना, क्यों इस रण में सकल शत्रुओं को तुम निश्चित रूप में जीतने वाले हो, इसमें कोई संशय नहीं है।